नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, फिल्में जो लोगों के मनोरंजन का साधन होती है, जिन्हें लोग जब थिएटर्स में देखने जाते हैं तो वही फिल्में कई करोड़ों रुपए का कलेक्शन कर डालती है। तो आज हम वर्ष 2010 की भारत की सर्वाधिक कलेक्शन करने वाली फिल्मों के बारे में जानेंगे। नंबर 10 पर है फिल्म आई हेट लव स्टोरीज, जिसे डायरेक्ट किया था पुनीत मल्होत्रा ने, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे इमरान खान, सोनम कपूर। लव स्टोरी पर आधारित इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म ने लगभग 82 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और हिट रही थी। 9 नंबर पर है फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जिसे डायरेक्ट किया था मिलन लोथरिया ने, और इस फिल्म में अजय देवगन, इमरान हाशमी, कंगना रनौत, प्राची देसाई और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में थे। मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन पर आधारित इस फिल्म का बजट 38 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म ने 82 करोड़ से अधिक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और सुपर हिट रही थी। इसके बाद 8वें स्थान पर है तमिल फिल्म सिंघम, जिसे डायरेक्ट किया था हरी ने, और इस फिल्म में सूर्या, अनुष्का शेट्टी और प्रकाश राज मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म एक जाबाज पुलिस वाले सिंघम की कहानी है। फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए था और फिल्म ने 90 करोड़ से अधिक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और सुपर हिट। 7वें स्थान पर है फिल्म तीस मार खान, जिसे डायरेक्ट किया था फराह खान ने। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की कहानी बेहद बकवास थी। इस फिल्म का बजट 45 करोड़ रुपए था, परंतु इस फिल्म ने लगभग 100 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फ्लॉप हो गई थी। 6वें स्थान पर है फिल्म हाउसफुल, जिसे डायरेक्ट किया था शाहरुख खान ने। इस फिल्म में अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, हितेश देशमुख, लारा दत्ता और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका में थे। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए था और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 124 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और सुपर हिट रही थी। 5वें नंबर पर है फिल्म राजनीति, जिसे डायरेक्ट किया था प्रकाश झा ने, और इस फिल्म में कटरीना कैफ, अजय देवगन, रणबीर कपूर, नाना पाटेकर, मनोज वाजपेयी और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका में थे। लोकतांत्रिक राजनीति पर आधारित इस फिल्म का बजट 45 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म ने 149 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद 4वें नंबर पर है फिल्म गोलमाल 3, जिसे डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, और इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में थे। इस एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म का बजट 35 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म ने 169 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ब्लॉकबस्टर रही थी। 3rd नंबर पर है फिल्म दबंग, जिसे डायरेक्ट किया था अभिनव सिंह ने, और इस फिल्म में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, सोनू सूद मुख्य भूमिका में थे। यह एक्शन ड्रामा फिल्म का बजट 42 करोड़ रुपए था, जबकि इसने 221 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ब्लॉकबस्टर रही थी। 2nd नंबर पर है फिल्म माय नेम इज खान, जिसे डायरेक्ट किया था करण जौहर ने। इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, जिमी शेरगिल मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की कहानी एक ऑटोस्टेटिक मुस्लिम रिजवान खान पर केंद्रित है। फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए था और फिल्म ने दुनिया भर में 223 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और सुपर हिट रही थी। 1st नंबर पर है फिल्म एंथीरन, जिसे हिंदी में रोबोट के नाम से रिलीज किया था। इसे डायरेक्ट किया है एस शंकर ने, और इस फिल्म में रजनीकांत, ऐश्वर्या बच्चन और डैनी डेंजोंगपा मुख्य भूमिका में थे। यह एक सुपर हीरो रोबोट पर आधारित साइंस फिक्शन फिल्म थी, जिसका बजट 150 से 200 करीब था और इस फिल्म ने 290 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और वर्ष 2010 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी। आपको इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।